फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हुएमार। मैंने मिस प्रिया और आज मैं आपको बालों के ऊपर लगाने के लिए ऐसा मास्क बताने वाली हूँ जो आपके बालों को, आपके स्कैल्प को ड्राइनेस से दूर करेगी। आपके बालों को जो पतले हेयर रहते हैं, जो अपने स्कैल्प को क्लीन करने का काम करता है, ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, ये आप घर में ही मिल जाएगी। ये चीज़ आपको वीकली, वैसे तो दो बार लगाना चाहिए, लेकिन अभी थोड़ा सा ठंडी का टाइम आ रहा है। लेकिन जब ठंडी का टाइम आता है तो वो स्टार्टिंग डेज में ही बाल हमारे बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा रफ लगने लगते हैं, एकदम स्कैल्प खींचा खींचा टाइप लगने लगता है। उसके लिए आपको स्टार्टिंग से ही बालों के ऊपर से अपने स्कैल्प के ऊपर काम करना चाहिए। तो इसलिए मैं आज जो मास्क बताने वाली हूँ वो आपको ट्राई करके देखना ही चाहिए। अभी ठंडी का टाइम है तो आप मंथली एक बार लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज़ आप वीक में एक बार लगाएंगे तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको अगर ठंडी का प्रॉब्लम है, वात का प्रॉब्लम है, तो मंथली एक बार लगाओ, 15 to 20 minutes रखो, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा आपको। तो चलिए वीडियो को और लंबा ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो जो मास्क बताने वाली हूँ वो है दही। आपने मेरे थंबनेल पे देखा ही रहेगा कि मैं दही के बारे में बात कर रही हूँ। दही आपके लिए इतना ज़्यादा यूज़फुल है। आपको सिर्फ दही लेना है, आपके बालों के मुताबिक लेना है, कितने हेयर लेंथ है उस हिसाब से लेना है, और उसे अच्छे से मिक्स करना है। दही को अच्छे से मिक्स करना है, और कोई भी कॉटन या आपको ब्रश चाहिए तो उसके हेल्प से आप उसे अपने सिर के स्कैल्प से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने बालों को अच्छे से कंघी करके ले लिया। देन मैं कान के यहाँ से अगर आप बालों के ऊपर कुछ भी ऑयल भी लगाते हो या कोई भी मास्क लगाते हो, बहुत इजी पड़ता है। कान के बाजू से दूसरे कान तक आपको जाना है, उसके बाद बैक साइड में भी आप कर सकते हो। देन पूरे हेयर के ऊपर हमें करना है। वैसे तो दही में बिल्कुल भी केमिकल नहीं होता, लेकिन इसमें जो लैक्टिक एसिड रहता है, जो बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। दही हमारे बालों की जो ड्राइनेस रहती है, जो स्काल्प में ड्राई होता है, जिसके वजह से हमें डैंड्रफ हो जाता है, उससे दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। हमारी अगर ड्राइनेस को दूर करना है, जो बालों की रफनेस को दूर करना है, तो दही यूज़ करके देखो, आप खुद ही जान जाओगे कि ये बालों को कितना ज़्यादा अच्छे से हेल्प करता है। बाल सॉफ्ट शाइनिंग लगेंगे, बाल तो एकदम हैवी लगेंगे हमें। दही में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, जिससे हमारे बाल मजबूत होते हैं। इसे हमें वीक में वैसे तो दो बार लगाना चाहिए, बट अभी थोड़ा सा ठंडा मौसम आया है तो हम मंथली एक बार भी लगाएंगे तो भी बहुत ज़्यादा काफ़ी है। इससे आपके बाल, आपके जो स्कैल्प रहता है, वो ना ही ड्राई होगा, ना ही डैंड्रफ की समस्या होगी। आपको चाहिए तो इसके बाद आप थोड़ा सा स्टीम लेना है, या फिर टॉवल से स्टीम को लेना है, वो भी ले सकते हो। इसे हमें लगाना है और 30 minutes लगा के रखना है। 30 minutes काफ़ी हो जाते हैं बालों के लिए इसे लगा कर रखना। और फिर उसके बाद आप एक अच्छे से शैम्पू से उसे अच्छे से क्लीन करके वॉश कर सकते हो। अभी बहुत जन बोलते हैं कि ठंडे पानी से नहाना है। यार, ठंडी का टाइम है, मैं तो गर्मी में भी ठंडे पानी से नहीं नहाती हूँ, गर्म पानी से ही नहाती हूँ। तो आपको क्या करना है, पानी में सिर्फ थोड़ा सा ऑयल लग डालना है और फिर आप उस पानी से नहा सकते हो। लेकिन बालों के ऊपर से नहीं नहाना है, नहीं तो फिर ऑयल बालों से हटेगा ही नहीं। इस तरह से हमें बालों के ऊपर अच्छे से लगा के लेना है, बालों को ऊपर बांध के रखना है, एंड दैट्स इट। सो होप सो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत सारी खुशी के साथ। बाय।